कुशीनगर में पुरानी रंजिश के चलते 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस कप्तान धमन जयसवाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटना के विषय में जो भी जानकारी सामने आ रही है वो पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं घटना को अंजाम देने वाला धर्मेंद्र पासवान बताया जा रहा है। वहीं रविवार को मृतक के परिजनों और गाँव के लोगों ने भैंसहा सदर डोला नेशनल हाईवे 28 पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि बदमाशों की तुरंत ही गिरफ्तारी की जाए और उनके मकान को ध्वस्त किए जाए। धरने पे बैठे हैं सिर्फ इंसाफ के लिए। हमारे छोटे भाई को जान से दिन दहाड़े मार दिए हैं सब। इंसाफ करे प्रशासन, इंसाफ करे। आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी करे, मकान ध्वस्त करवाए, जैसे मेरा करवाई थी। मामला है, हमारा भाई बगल के वो जो संतोष सिंह नाम के हैं, कुछ चूँकि हमारे केस में वो फाइली हैं, उनको केस हेयरिंग लगी है, तो उनसे कुछ मतलब उसी संबंध में गए थे मिलने, हम पापा और तीन लोग जा रहे थे, थोड़ा हमसे वो आगे थे, वो थोड़ा उनके घर तक पहुँचे तब तक मुलिमान जी का नाम एफ आई आर दे चुके हैं, नामजद एफ आई आर आए दादा गोली मार दी मेरे भाई को। जनपद कुशीनगर में थाना हाटा क्षेत्र के अंतर्गत हाकिम मुंडेरा नामक गांव में एक व्यक्ति कमलेश सिंह उर्फ इंजीनियर, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनको गोली मारे जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इनका इलाज के दौरान अभी मृत्यु हो गई है और प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि धर्मेंद्र पासवान नामक व्यक्ति हैं, जिनसे इनकी पुरानी रंजिश रही है और उनके द्वारा इन पर गोली चलाई गई है। प्रकरण में सभी तथ्यों की जाँच करके शीघ्र इन पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। कमलेश सिंह इंजीनियर की हत्या हुई है, जो जघन्य हत्या हुई है। हत्या के बाद मौके पर हम लोग पहुंचे थे। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।